देखिए, अब हमारा ये दूध गाढ़ा होने लगा है, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि रबड़ी में वैसे भी कम मीठा ही अच्छा लगता है और हम कम ही मीठा खाते हैं, इसीलिए हम ये चीनी डाल रहे हैं। मैं डालूंगी इसमें 5 चम्मच चीनी। और फिर अब इसको हम डिसॉल्व होने देंगे। अब आप देखेंगे चीनी डालते ही ना ये थोड़ा और इसकी कंसिस्टेंसी अब पतली हो जाएगी, लेकिन जैसे ही जैसे खोल आएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा हो जाएगा। ये साइडों में देखिए मलाई जमा हो गई है, इसे भी ऐसे करके तोड़ेंगे नहीं इस मलाई को। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लुक आएगा इसका और बहुत ही अच्छी लगती है ये ऐसे। बस अभी हम इसमें डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, जिससे बहुत ही जल्दी ये एकदम से मतलब एकदम इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा थिक हो जाएगी। खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, ये वाला सोडा। ओके, सिर्फ एक चुटकी डालना है। ये देखिए सिर्फ इतना सा डालना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक चुटकी है। इससे बहुत ही जल्दी ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगी और इसका टेस्ट भी नहीं आएगा।